कितनी गोली खाते हो इसकी? डॉक्टर होके झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? यो मतलब 20,000 का खा लेते हो, 40,000 का बेच देते हो। इंजेक्शन लगाते हो क्या? नहीं खाते हो तो क्या क्या होता है तकलीफ? गोली नहीं खाओगे तो क्या होगा? उल्टी, पेट दर्द, सर दर्द, बेचैनी, घबराहट। किनको बेचते हो ये? 7 साल से नशा कर रहे हो, स्कूल 2 साल से छोड़े हो। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? आगे आओ, तुम तो अभी नशे में हो, आँख से पानी निकल रहा है। अरे इसी का डॉक्टर हूँ मैं भाई, इसका वजह तुम भी इस पर नशा करते हो ना? मुझे पता है, मुझे देखने की, मैं तो आँख और कान देख के बता दूंगी। तुम्हें दस्त भी होता होगा, उल्टी भी होगी, कान आँख से पानी आता होगा, दस्त होता होगा, टूटन होती होगी, नींद नहीं आती होगी, ऐसा ही होता है ना? कितने वर्षों से नशा कर रहे हो इसका? 4-5 वर्ष। डेली कितनी गोली खाते हो इसकी? ये पत्ता डेली खाते हो, 15 टैबलेट। उस इंजेक्शन भी लगाते हो क्या? फिर भी इंजेक्शन, कुछ लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं, पता है तुम्हें? यहाँ पे लगाते हैं क्या इंजेक्शन वाले लोग? होंगे इंजेक्शन वाले डॉक्टर होंगे ना यार, मालूम है। नहीं खाते हो तो क्या क्या होता है तकलीफ? गोली नहीं खाओगे तो क्या होगा? उल्टी, पेट दर्द, सर दर्द, बेचैनी, घबराहट। इसकी इस नशे में कैसे फंसे? सर दोस्त लोगों के साथ ऐसे शुरुआत की, 2-4 लोग से फिर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और ये बेचने का धंधा कब से शुरू किया? 1-1.5 साल हो गया सर, यही खाते खाते फिर। खाते खाते पैसे की जरूरत पड़ती होगी तो बेचना शुरू कर दिया। 1 महीने में कितना टैबलेट बेच देते हो? 1 महीने में सर वही 5-7-8 डब्बे। अरे एक तरफ खुद खा जाते हो डेली 10 खुद खाते हो 15, तो एक डब्बा तो डेली खुद खा जाते हो, तो महीने में तुम महीने नहीं सर, एक डब्बा 1.5 पत्ता, मतलब 1.5 पत्ता डेली खाते। तुम महीने में कितने खा गए? 45 पत्ते। तो 4 डब्बे तो खुद ही खा जाते हो, बेचते कितना हो? 10 डब्बा बेचते हो, 4 डब्बा खा जाते हो, तो 10 डब्बे से कितना प्रॉफिट होता है तुम्हें? वही मंथली 20-30-40 40,000 कमा लेते हो, अच्छा है। मतलब 20,000 का खा लेते हो, 40,000 का बेच देते हो। 20-30,000 का बेच के 10,000 का खाते हो। और तुम्हारे कारण कितने लोग इस नशे की आदि बन रहे हो, कभी ये सोचे हो? किनको बेचते हो ये? सर यही आसपास के लोग। अरे कहाँ आसपास है, किस इलाके के? हाँ 5 सेक्टर 6 बताओ। सेक्टर 5 सेक्टर 6 क्या कॉलोनी वाले लोगों को बेचते हो, बच्चों को बेचते हो कॉलोनी के? अपना काम करने वाले से। काम करने वाले लेबर क्लास के लोग। बच्चों को ही बेचते हैं? स्कूल के बच्चों को? स्कूल के बच्चों को ही नहीं बेचते। हाँ नहीं, स्कूल के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को नहीं बेचते हो, कॉलोनी में काम करने वालों को बेचते हो। क्या काम करने वालों को? प्लांट में काम करो। कितना खाते हैं प्लांट में बेचते हैं? एक आदमी कितना खाता होगा? 1-1.5 पत्ता डेली लेते हैं। 1-1.5 पत्ता एक आदमी लेता है डेली? कितने लोगों को बेचते हो तुम? 7-8। 10 लोगों को तुम डेली 1.5 पत्ता बेचते हो, मतलब दिल्ली में 1 डब्बा बिक जाता है तुम्हारा। कितने में बेचते हो? कितने में बेचते हो एक पत्ता? 120 रुपये। मिलता कितने का है डब्बा? हाँ डब्बा सर 1400। 1400 में एक डब्बे में कितना पत्ता होता है? एक डब्बे में 18 होता है। हाँ 18 पत्ता होता है, मतलब खरीदते हो तुम करीब 70 रुपये का पत्ता, 60 रुपये का पत्ता, और बेचते हो 120 का, डबल करके बेचते हो, वही बता रहा है। ठीक है, तो लगता नहीं है तुम्हारे कारण इतने डेली इतने लोग क्या डेली जी सर कर रहे हो? पकड़ा गए हो तो आँख से पानी निकल रहा है, देख रहे हो? क्या नाम है? मोनू सरदार। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू सरदार। नाम भी सरदार रखे हो, तुम्हारे कबीले में सब यही नशा करने वाला कबीला है तुम्हारा, तुम सरदार हो उसके। अब तुम जेल चले गए, तुम्हारे कबीले का क्या होगा? उनको टैबलेट कहाँ से मिलेगा? हाँ दवा आता कहाँ से था? ये सेकंड बताएंगे ना, एक एक सीक्वेंस है ना चेन। अरे बेटा तुम आ गया, डॉक्टर साहब डॉक्टर किलर हो गए भाई आप तो। आ गया हो गया, तुम तो डॉक्टर नशा हो गए। वहाँ कोई काम ही नहीं था, तुम तो जानवरों के डॉक्टर से पकड़ लाए तुमको वैसा। हाँ तुम क्या काम करते थे इसमें, क्या गलती की तुमने? गलती बता दो, क्या गलती की तुमने? थोड़ा बहुत अपन खाते थे। कितना खाते थे डेली? हाँ
चार गोली खाते थे। पीस क्या बोले, डॉक्टर डॉक्टरी भाषा में बात करो ना। चार खाते थे डेली। तो तुम्हें क्यों पकड़ लिया पुलिस ने, ये बताएगा। क्या करते थे जनाब ये, इधर बताओ जरा, इनके बारे में ज्ञान दो। क्या करते थे ये, लाके देते थे कितना डब्बे लाके देते तुम एक बार में? 15-20 डब्बा लाके देते थे। अरे भाई इधर आओ, डॉक्टर होके झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? लाके 15-20 डब्बा, तो आसमान से गिरता था क्या 15-20 डब्बा? तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत भी है क्या भाई? हाँ डॉक्टर जादूगर हो गया तुम? तो ये 15-20 डब्बे कहाँ से आते थे जनाब आपके पास? ये देते थे। इधर आओ, हीरो मत बनो, सर ऊपर करो। एक इनको बेचते थे 15-20 डब्बे, और कितने लोगों को बेचते थे? क्यों भाई इसे इतना प्यार, क्यों किन्हीं को देते थे तुम? क्योंकि सर मैं अभी स्टार्ट हुआ था, मैं अभी अभी स्टार्ट हुए थे, बिगिनर थे तुम। कब से अभी अभी कब से शुरू हुआ है अभी अभी सर? मुश्किल था, तो 3-4 महीने में ज्यादा नहीं। 3-4 महीना कुछ है ही नहीं। तुम डेली 3-4 डब्बे बेच रहे हो और 3-4 महीने से बेच रहे हो, वो तो कुछ है ही नहीं। तुमको कोई ग्लानी भी नहीं है? अरे भाई अल पकड़ा गए हो तो बोल रहे हो, इधर लो। तो तुम इसी चार गोली खा के तुम जानवरों का इलाज करते थे? तो रात पे शौकिया, तो रात का असर दिन में नहीं होगा, पता है 24-24 घंटे असर रहता है इन गोलियों का। नशे की हालत में तुम मरीजों तुम इलाज करते हो, तुम्हें डब्बा यहाँ से मिलता था। आ जाओ भाई तुम, आपका नाम? आप तो जेल से भी कारोबार करते हो, बड़े कारोबारी हो आप तो। इधर आ जाओ, कब से कर रहे हो ये कारोबार, नशे का कारोबार? मैं उससे पहले संपर्क करवा दिया था, बाकी लेना देना। तुम संपर्क करवा दिए, तुम तो बहुत महान आदमी हो, संपर्क करवा दिए। तुम जेल किस केस में गए थे भाई? NDPF में ही गए थे, वो तुमको पुलिस ने ऐसे ही उठा के डाल दिया हो। कब गए थे? 8-9 कितनी बार जेल गए हो? 2 बार गए हो, बताओ बस 2 बार गए हो। पहली बार कितने महीने रहे? 4 महीने, वो कौन सा केस था? NDPF। दूसरी बार कितने महीने रहे? 6 महीने, वो भी NDPF। कब छूटे? कितने दिन पहले? बताओ, 1 महीने पहले छूटे। आज दिन से काम तो बंद ही नहीं किया, तुम जेल से भी काम कर रहे थे, तो क्या बोलूँ मैं? संपर्क करा दिया तो बस जेल कमीशन पे काम करते थे, तुम हमें जनसंपर्क का फायदा उठाते थे। हाँ तो संपर्क अधिकारी हो गए तुम तो यार। हाँ जेल से कैसे संपर्क करते थे? नहीं पहले से ही, वो पहले सेट करके फिर जेल जाता था यार, कैसे करते हो? पहले वो जेल जाने के पहले संपर्क में दे दिया इसको, ये तब तक संभालता था। हाँ फिर निकलते थे, जेल में तुम कितना खाते थे डेली? तुम कितना खाते हो? तुम खाते नहीं, खिलवाते हो केवल। तुम जब तुम खिलवाते हो तो कभी चख के देखा नहीं कैसा है? कभी गोली की चाहत नहीं हुई? ये लोग बताएंगे भाई, लेते ही लेते कमीशन कितना मिलता था संपर्क कराने का? तुमको पहले करवा दिया था, उसके बाद में अभी तुम 6-8 महीने से तुम्हें समाज सेवा भाई, तो तुम 2 बार जेल क्यों गए समाज सेवा में? नहीं मैं मार रहा हूँ। क्या थी गलती था उस टाइम? क्या गलती था? मैं खुद मंगवाते थे। कहाँ से? यूपी में। कहाँ से? मोतिहारी वगैरह कहीं जाते? मोतिहारी तो बिहार में है जना, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सब तो सब जानते हैं। क्या थी बताया? तो भाई यहाँ भी ज्ञान दे दो। ये बिहारी तुम्हें कहाँ से मंगवाते थे? बिहारी वगैरह। वो क्या वहाँ का नंबर होगा, फोन करते होगे, पता करते होगे, अपने आप भेज देते तुम्हें वो? अभी तो सर जब पहले करते कैसे करते थे? पहले सर वो जैसे संपर्क इंडिया मार्ट वगैरह में आप कॉन्टेक्ट वगैरह करने से, इंडिया मार्ट से दवाइयाँ ही बिकने लग गई है नशीली। इंडिया मार्ट से सर उन लोग भी अगर आप रिक्वायरमेंट डालने से उन लोग, भैया ये भाई एक्स टाइप की दवाइयाँ हैं, रिक्वायरमेंट डालने से नहीं मिलता, इसमें स्लिप लगता है, इसको बेवकूफ बना रहे हो। उन लोग इसी चीज के लिए तो एक्स्ट्रा लेते हैं। कमीशन लेके तुम इंडिया मार्ट से फर्जी कोई डॉक्यूमेंट जमा करके मंगवाते होगे। हाँ किसी के नाम पे, फार्मेसी वाले के नाम पे करके मंगवाते होगे तुम लोग। नहीं नहीं
वो उन्हीं लोग सर ज्यादा सब कुछ करके सेटिंग करके भिजवा देते हैं सब डॉक्यूमेंट तैयार करके। और तुम्हें जान पहचान कैसे बनी उन लोगों से? ऐसे इंडिया मार्ट से उन लोग संपर्क कर रहे। ओ इंडिया मार्ट वाले से? ओ वो इंडिया मार्ट में ऐड डालते हैं सर, ऐड डालते हैं दो बार जेल गए, 6 महीने, 4 महीने, तीसरी बार जा रहे हो तुम, तो हैट्रिक बार दी जेल की एक साल के अंदर। इस बार कितना दिन रहने का मन है? हाँ जान नहीं रहते, जेल से 1 महीने निकले हो क्या कर रहे हो? निकलने के बाद कौन सा कुछ काम नहीं किया, ऐसे ही पुष्टि हो जाती है। ये तो आदमी कुछ काम करता, घर ऐसे थोड़ी चलता है। परिवार में कौन कौन है? कौन है, कौन कौन है? बाल बच्चे हैं तो उसे खर्चा भी तो लगता होगा। तो तुम जेल जाते हो तो भरण पोषण कैसे होता था? यही सक्षम बताओ क्या डिग्री है? एक डॉक्टर, तुम क्या हो? सरदार। कबीले का सरदार। क्या नाम है, काम क्या तुम्हारा, कौन सी गाड़ी? हाँ अयो KPS स्कूल का बस चलाते हो 15 गोली खाने के बाद? अरे भैया KPS को लिख के दो इसका नाम, ठीक है? और सभी लोगों का चेक करवाओ गोली खाने वाले। KPS के कितने ड्राइवर और गोलियां खाते हैं? अरे नशा तो 8 साल से कर रहे हो ना, 4 साल से नशा कर रहे हो, स्कूल 2 साल से छोड़े हो और अभी भी कोई ना कोई गाड़ी चलाते ही होगे। अब फुल टाइम इसको बेचने के काम में लग गए हो 1.5 साल से। गुड, तुम 1.5 साल से कर रहे हो वो बोलना, मैं तुमको 2-3 महीने से दे रहा हूँ, तो इससे पहले कहाँ से ले रहे थे दवा? वो बोल रहा है डॉक्टर साहब कि 2-3 महीने से संपर्क से दिलवाता था ना, यही इंडिया मार्ट से यही डील करके यही मंगवाता था, तो दो बार जेल गया ना ये, बंद कर दिया। अरे भाई अभी आने के बाद, आने के बाद देखो, ये तो भाई देखो दोस्ती करवा दिया इंडिया मार्ट वालों से, दवाई कंपनी को भी कोई मतलब नहीं है, उनके बीच के होते हैं ब्रोकर, दुगने दाम में भेजते हैं। ये डॉक्टर भी चलाता था, ये तो लाता था डॉक्टर। डॉक्टर साहब कहाँ से लाते, आप दवाइयाँ कहाँ से लाते थे? प्राइवेट है कि गवर्नमेंट बताएगा? आगे आ जाओ, आगे प्राइवेट से कहाँ से आता था भैया? भैया जेल में थे 6 महीने और 4 महीने, लिंक करवा दिया था। किससे लिंक करवाया था? बाहर वाले। कौन बाहर वाले? तो उसका लिंक का क्या नंबर है तुम्हारे पास? भैया जेल में था तो कैसे पास होता था? नंबर था ना सर, नंबर था इसके पास। इधर आओ, नंबर दे दिया था भैया, केवल कमीशन बीच का खाते थे भैया, तुमको नंबर से बात कराते थे, तुम्हारी तुम करते थे काम। तुम क्या डॉक्टरी करते थे यार? तुम डॉक्टरी करते थे कि पूरे टाइम इसकी ब्रोकरी करते थे? टाइम ही नहीं मिलता था, पूरे टाइम तो इसी में लगे रहते थे। तो क्या लोग हो तुम लोग, स्कूल के 10वीं 12वीं के बच्चे हैं क्या, उनको भी इसने सप्लाई किया भाई? तुम डीपीएस बड़े बच्चे भी होते हैं। डीपीएस दुर्ग, केपीएस नहीं, केपीएस नहीं, इनके द्वारा ये क्लियर किया गया है KPS नहीं, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। KPS नहीं, DPS नहीं, तो बच्चे ही पढ़ते हैं भाई जी, जी, जी। उनकी भी तो जान है। DPS नहीं, तो DPS के बच्चों को भी ये कोई बच्चे से नहीं था, बस सप्लाई करते थे लेबर क्लास जो आते थे। मैं अपना खाता था, किसी को खाता था और खिलाते थे। जब तुम रहते सेक्टर 7 में, वो सप्लाई सेक्टर 5 करते थे तो भी अच्छा, तो वहाँ क्यों नहीं करते? कोई बात नहीं, सब जगह करते जो खाने वो प्लांट से आते होंगे यार, जो खाने वाला आया ये खिलाता था, इसने भंडारा खोला हुआ था भाई, जो आए उसको खिलाता था ये। क्यों? दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 3000 जो ट्रामाडोल की गोलियां हैं उसको जब्त किया है, कीड़ा पकड़ा है, एंड टू एंड एनालिसिस किया जा रहा है। 3 अभियुक्त इसमें, 3 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, एक जो है स्कूल का बस ड्राइवर था, एक जो है वो 2 बार पहले भी NDPS में जेल जा चुका था, 1 माह पूर्व जेल से छूटा था, तीसरा एक वेटनरी डॉक्टर था। ये लोग 4 से 5 डब्बे डेली जो है बेचा करते थे, ये इंडिया मार्ट की मदद से, इंडिया मार्ट के द्वारा जो है वो UP बिहार से इस तरह की नशीली गोलियां मंगवाया करते थे।
जहाँ से आ रहा था डेस्टिनेशन की भी काफी जानकारी मिली, आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी बड़ी बड़ा जखीरा पकड़ने का हमारा है, लगातार उनके कुछ कुरियर से वो इंटरसेप्ट किए, आने वाले टाइम में उनको पकड़ा जाएगा। एक जो दो बार जेल काट चुका है NDPF में, बाकी जो दोनों है उनके भी आपराधिक रिकॉर्ड जो है खंगाले जा रहे हैं। ये 7 से 8 वर्षों से कर रहे हैं तो नए नहीं है, अभी पकड़े जा रहे हैं, लगातार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति नशे के व्यापार में घुसेगा वो किसी भी पेशे का हो, कितना भी ताकतवर हो, पुलिस वो अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो, हमने 2 GRP के कांस्टेबल्स को पिछली बार गांजे के साथ पकड़ा था, लगातार दो पुलिस सबके ऊपर कार्रवाई करेगी।